हर्षित मन एवं करतल ध्वनि के साथ आप सभी जिज्ञासुओं एवं प्रबुद्ध जनों का सभा में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर एक ओर जहां संपूर्ण राष्ट्र बाहरी हुकूमत के बंधन से आजादी का, दासता से मुक्ति का जश्न मना रहा है, सुखद संयोग है कि इसी समय 75वीं ऑनलाइन वर्कशॉप के समापन सत्र में हम सभी आज विचार स्वातंत्र्य का उत्सव मनाने हेतु एकत्रित हुए हैं। गौरतलब है कि विचार स्वातंत्र्य का अर्थ मनमानी नहीं बल्कि स्वनियंत्रण है, व्यवस्था समझकर व्यवस्थित भागीदारी है, जिसका प्रमाण है 400 से भी ज्यादा ये फैकल्टी वॉलंटियर्स जो अक्रॉस द नेशन एक लक्ष्य एक कार्यक्रम यानी शिक्षा संस्कार हेतु स्वप्रेरणा एवं पूर्ण निष्ठा के साथ प्रतिभाग करने हेतु कृत संकल्प है। अगली स्लाइड पर हम मूव कर सकते हैं। लगभग 20 माह पूर्व AICT चेयरमैन माननीय श्री अनिल डी सहस्त्रबुद्धे जी के मानस में यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की ऑनलाइन वर्कशॉप की कल्पना बनी, जिसे मूर्त रूप देने में AICT के अन्य शीर्षस्थ पदाधिकारियों प्रोफेसर पूनिया VCM जी, प्रोफेसर राजीव कुमार जी मेंबर सेक्रेटरी, डॉक्टर नीतू भगत जी डिप्टी डायरेक्टर IPC, कर्नल ए श्रीनाथ जी डायरेक्टर PNAP, कर्नल बी वेंकट जी डायरेक्टर फैकल्टी डेवलपमेंट सेल और 8 रीजन्स के रीजनल ऑफिसर्स की स्नेहिल छत्र छाया में 2 कमिटीज NCUHV नेशनल कमिटी ऑफ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज और NCCIP नेशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी फॉर इंडक्शन प्रोग्राम का सम्मिलित प्रयास सराहनीय रहा है। नेक्स्ट स्लाइड पे जा सकते हैं भैया। प्रोफेसर HD चारण जी के दिशा निर्देश में एक सक्रिय टीम जिनके नाम आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, इन नामों को ना आप यहां से पढ़ सकते हैं। डॉक्टर रजनीश अरोरा जी, विनय पाठक जी, प्रोफेसर सुनील सुमानी जी, प्रोफेसर शत्रुंजय रावत जी और भी बहुत सारे लोग जो इस कमेटी के एक्टिव मेंबर्स हैं। और नेक्स्ट स्लाइड भैया। प्रोफेसर रजनीश अरोरा जी के संरक्षण में एक और सक्रिय टीम जिनके नाम अब आपके समक्ष हैं, ये दोनों ही टीम NCUHV और NCCIP एक दूसरे के पूरक होकर कंधे से कंधा मिलाकर NEP 2020 से अलाइंट AICTE के शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम में मूल्य शिक्षा की दिशा में महत्वपूर्ण सहयोग दे रही हैं। दोनों टीमों के कई सम्मानित सदस्यों और AICTE के शीर्षस्थ पदाधिकारियों से सुसज्जित सुशोभित इस सभा में आप सभी का पुनः स्वागत करते हुए अब मैं आमंत्रित करती हूँ श्रीमान रजनीश अरोरा जी को उनके विद्वत्तापूर्ण सहज स्वागत अभिभाषण के लिए। प्रणाम रजनीश सर, आपका स्वागत है। रजनीश सर, आपका माइक अभी ऑन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज हम लोग 75 वेबिनार्स अपने पूरे कर रहे हैं। जब शुरुआत की थी तब बिल्कुल अंदाज नहीं था कि हम इतनी लंबी यात्रा निरंतर उसको पूरा कर पाएंगे, और लेकिन अब सब लोगों का विश्वास बना है इस काम को हम लोग और आगे सबके सहयोग से चला पाएंगे। और जिसका मुख्य कारण है कि आज हमारे साथ देश भर से जो जुड़े हुए वॉलंटियर्स हैं उनके कारण से इस यात्रा के बारे में आत्मविश्वास बना है। ये जो सारा काम है ये अपने देश में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई 2020 में,
उसकी उसके अंदर जो अपेक्षाएं शिक्षा से की गई हैं उन्हीं की लाइन में है, क्योंकि उसमें अपेक्षाएं की गई कि शिक्षा के कारण से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास हो, फुल ह्यूमन पोटेंशियल डेवलप किया जा सके, इसके साथ साथ न्यायपूर्ण और समतापूर्ण समाज की रचना हो और राष्ट्र का विकास हो। ये सारी जो बेसिक एस्पायरेशंस हैं उनको तीन स्तर पर पूरा करने की कोशिश की गई इस प्रयास में। सबसे पहले यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज के बारे में हमारे शिक्षकों की समझ बने, ताकि वो उसकी चर्चा विद्यार्थियों के साथ कर सके कि ऐसी वैल्यूज जो यूनिवर्सल हैं, रैशनल हैं, वेरीफाइएबल हैं, फॉर ऑल एनकम्पासिंग हैं एंड दे ऑल लीड टू हार्मनी, इस प्रकार के जीवन मूल्यों की चर्चा देश भर में जो पिछले कई वर्षों के प्रयास में अच्छी प्रकार से जिनको टेस्ट किया जा चुका है, और फिर इनके उदाहरण के रूप में अपनी ही परंपरा, अपनी जो भारतीय ज्ञान परंपरा है उसके उदाहरणों से जो मानवीय विचार और मानवीय संस्कृति के अनुरूप हैं उसको भी देखना, क्योंकि वो सारी चीज़ें जो हैं वो परंपरा में कई पीढ़ियों में जिनको टेस्ट किया जा चुका है, और फिर आज की आवश्यकता के अनुसार अपनी भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकता के अनुसार जैसे आचरण के लिए जैसी स्किल्स की आवश्यकता है, जो मूल्य आधारित, जो पूरी दुनिया के लिए ऐसी जिनको वर्ल्ड क्लास वैल्यू बेस्ड स्किल्स कहा जा सकता है, वो हमारी टेक्निकल एजुकेशन का हिस्सा बने और उसका आधार ये हो कि हमारे यहाँ पर नेचर फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज और ह्यूमन फ्रेंडली मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, इस बात पर अपनी सारी तकनीकी शिक्षा आधारित हो, इस स्तर पर होलिस्टिक वैल्यू एजुकेशन का एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश की। और उसके लिए AICT ने जो प्रयास किए उसमें सबसे पहला कि इंजीनियरिंग एजुकेशन में 3 सप्ताह का मैंडेटरी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, जिसमें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, इंडियन नॉलेज सिस्टम और वैल्यू गाइडेड स्किल्स के मॉड्यूल्स, ऐसे 9 मॉड्यूल्स का ये SIT प्रोग्राम, और फिर तीसरे और चौथे सेमेस्टर में 3 क्रेडिट का यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का कोर्स, अंडरस्टैंडिंग हार्मनी एंड एथिकल ह्यूमन कंडक्ट, इसकी बात हुई। और अब जो आगे विद्यार्थियों को अपने सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर में जो ओपन इलेक्टिव्स उनकी योजना बन रही है, और जो कोर्सेज कुछ यूनिवर्सिटीज में प्रयोग के तौर पर शुरू भी किए गए, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पर आधारित और इंडियन नॉलेज सिस्टम पर आधारित, और उसमें से एक विशेष कोर्स जो होलिस्टिक ह्यूमन हेल्थ पर, जिसमें विद्यार्थियों की विशेष रूप से रुचि रहती है, उसको ऑफर करने की बात शुरू हुई। इतना ही नहीं, तो AICT ने साहसपूर्वक अपने यहाँ ये निर्णय लिया है कि इस अगले साल में विद्यार्थियों को माइनर डिग्री इन UHV एंड माइनर डिग्री इन IPS इसको भी ऑफर किया जा सकता है, और उसके लिए मॉडल करिकुलम में जो जिस प्रकार के परिवर्तन होने चाहिए उसको करने का प्रयास किया जा रहा है। और फिर केवल टेक्निकल एजुकेशन में नहीं, तो बाकी हायर एजुकेशन में भी इसको लागू करने के लिए, वहाँ के टीचर्स की ट्रेनिंग करने के लिए भी AICT की ओर से हर प्रकार का सहयोग दिया जा रहा है। और इस वर्ष विशेष रूप से मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि मध्य प्रदेश के स्कूलों में जब वहाँ के एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से डिमांड आई, तो हमने स्कूल एजुकेशन में भी के लिए भी टीचर्स तैयार करने के लिए AICT से के वेबिनार्स में प्रशिक्षित शिक्षकों को उसमें जोड़ा है। और केवल स्कूलों में नहीं, तो एडल्ट और इनफॉर्मल एजुकेशन का जो काम वहाँ पर मध्य प्रदेश में राज्य आनंद संस्थान द्वारा चल रहा है, उस कार्य में भी AICT की ओर से पूरा सहयोग किया जा रहा है। आज इस कार्य की स्थिति ये हो गई है कि सभी 8 के 8 रीजन के अंदर रीजनल ऑफिसर्स के सहयोग के साथ अपने रीजनल कोऑर्डिनेटर्स, और फिर उनके साथ कोऑर्डिनेशन के लिए सब कमेटीज, उनकी साप्ताहिक बैठकें होती है कि कैसे अपने कार्य की प्रगति बढ़ रही है। और जो देश में यूनिवर्सिटीज हैं उनमें यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेटर्स होने शुरू हो गए हैं, उनकी साप्ताहिक बैठकें प्रारंभ हो गई। देश के कॉलेजेस में
जो वॉलंटियर्स आज जिनकी संख्या 400 से अधिक है अपने अपने कॉलेज में इस गतिविधि को आगे बढ़ाने के लिए वीकली मीटिंग्स, वर्कशॉप्स, कोर्स मटेरियल डेवलप करना और आपस का संवाद और फिर जो सारा डाटा इकट्ठा हो रहा है किस प्रकार से विद्यार्थी टीचर्स कितना आगे बढ़ रहे हैं, ऐसी सब प्रकार के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है। तो केवल अपने कॉलेज में नहीं तो अपने आसपास के समाज में, अपने परिवार में इस प्रकार की गतिविधियों का इम्पैक्ट होना शुरू हो गया है। स्क्रीन पर ये एक संख्या आपके सामने है जो पूरी नहीं हो सकती है और 417 इतने सारे स्क्रीन पर आना मुश्किल है। और सबसे हर्ष की बात है कि ना तो केवल इसमें पुरुष है ना महिलाएं हैं, दोनों की सहभागिता लगभग 50-50% है। अपेक्षा ये है, जैसा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में भी अपेक्षा की गई है, कि देश का हर फैकल्टी मेंबर और धीरे धीरे देश का हर नागरिक इस आशा की पूर्ति के लिए, इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए उसकी भागीदारी हो, उसकी सहभागिता हो। ये उसी दिशा में एक शुरुआत है और आज हम 75वें दिन इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जब हम इस सारे डाटा को देश के नक्शे के ऊपर रखते हैं तो ये बताते हुए हर्ष होता है कि आज देश का एक भी ऐसा प्रांत नहीं है, यहाँ तक कि आप देख रहे हैं कि अंडमान निकोबार हो, चाहे वो गोवा का छोटा सा प्रांत हो या मणिपुर, नागालैंड, मेघालय हो, हर प्रांत में शिक्षकों की सहभागिता इसके अंदर हुई है। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस कार्यक्रम की है और इससे हमें स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम को इफेक्टिव रूप में देश में बढ़ाने में सहायता मिलेगी। रीजन वाइज जो स्थिति रही तो विशेष रूप से जो ईस्टर्न रीजन है कोलकाता का और नॉर्दर्न रीजन है कानपुर का और साउथ वेस्टर्न रीजन है बेंगलोर का, वहां पर जितना हमने सोचा था 1:20 के रेशो पर हर 20 विद्यार्थियों पर एक टीचर, उससे अधिक टीचर्स की ट्रेनिंग हो पाई। और फिर आप देखते हैं कि चंडीगढ़ रीजन, चेन्नई, हैदराबाद और मुंबई रीजन की भी जो सफलता है वो काफ़ी अच्छी रही। केवल एक जगह पर हम लोगों का काम उतना तेजी से नहीं बढ़ पाया, हालांकि वहाँ की संख्या भी बहुत ज़्यादा है, वो भोपाल रीजन है, सेंट्रल रीजन, और जहाँ पर छत्तीसगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश ये राज्य आते हैं। तो मुझे आशा है कि आने वाले दिनों में हम इस कमी को भी पूरा कर सकेंगे। तो लगभग 84% जो हमारा टारगेट था उसको हम पूरा कर पाए हैं। तो ये NCCIP चेयरमैन के नाते से मेरे जिम्मे काम लगा था, मैंने आपके साथ ये कुछ जानकारी शेयर की है। अब आगे की कार्रवाई के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश सर इस सारगर्भित संक्षिप्त संभाषण हेतु, आपका मार्गदर्शन हमें सतत प्रेरणा देता है, हृदय से आभार सर। आपदा को अवसर में तब्दील करने का सराहनीय पराक्रम दर्शाने वाले श्रीमन सहस्त्रबुद्धे जी, न केवल समय निकालते हैं बल्कि अपने उद्बोधन से सभी वॉलंटियर्स और पार्टिसिपेंट्स का उत्साह भी बढ़ाते हैं। आज अन्य किसी कार्यक्रम के साथ समय का क्लैश होने से, पुनिया जी नमस्ते। नमस्ते, धन्यवाद भाई राजुल जी, सम्माननीय प्रोफेसर रजनी सरोड़ा साहब, आदरणीय चांद साहब, सम्माननीय भाई गणेश जी और पूरी पूरी जो टीम है हमारे साथ जुड़ी हुई। सबसे पहले तो मैं आज इस विशेष दिवस पे पूरी टीम को बधाई देता हूँ। आदरणीय चेयरमैन साहब आज नागपुर में हैं और उनका एक अलग से बड़ा कार्यक्रम था, आज वो जुड़ नहीं पाए, तो मैं उनकी तरफ से भी पूरी टीम को बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 75वां साल हम अपनी आज़ादी का मना रहे हैं देश में और आज संयोगवश हमारा जो है ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की जो एक अलग या बीज जो बोए थे 75 हफ्ते पहले, ये लगातार बिना किसी बाधा के, बाधा आई, विपदाएं आई, कोरोना आया, कठिनाइयां आई, लेकिन ये जो कारवां है या जो ये एक एक
लगातार प्रयास हैं, इन प्रयासों के कदम कभी भी नहीं डगमगाए। जब शुरुआत की थी आज से 75 हफ्ते पहले, कभी भी नहीं ये सोचा था कि ये इतना बड़ा काम जो है भारतीय शिक्षक शिक्षा के अमूलचूल परिवर्तन के लिए इतना बड़ा काम कर सकते हैं। मैं रजनीश अरोड़ा साहब से जुड़ा हुआ था, बरसों से जुड़ा हुआ था, मैं चंडीगढ़ में था, आप पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, राजुल जी भी वहां पे आते थे, आप भी पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए थे, तो मैं हमेशा रजनीश जी के अंदर एक अलग सा जो है अलग से चेहरे पे इनके चमक और इनका ऊर्जा मैं देखता था कि ऐसा इनमें क्या है जो इतनी ऊर्जावान क्यों दिखते हैं, इनकी चलने का और जो स्पीड और डिसीजन मेकिंग जिस तरह से देखता था, तो निश्चित रूप से वो जो ताकत थी उनके अंदर वो मानवीय मूल्यों की ताकत ही थी। जब अमूल्य होते हैं, मानव जो है मूल्यहीन जब होता है तो उसकी ताकत भी क्षीण होती है। जब उसके अंदर, इसको संस्कार कहते हैं, या एक एक जीवन जीने का रास्ता जिसके लिए बिल्कुल साफ सुथरा जो है जिसने बना रखा है कि ये मेरा जीवन का उद्देश्य है, क्लैरिटी जहाँ पे है वहीं पे चेहरे पे मुस्कान है, वहीं पे ऊर्जा है, वहीं पे दम है और उसी व्यक्ति पे दारोमदार है। तो रजनीश अरोड़ा साहब जब एनसीसी आईपी के हमारे जो इंडक्शन प्रोग्राम के अध्यक्ष बने, पूरे देश के 80 लाख बच्चे तकनीकी शिक्षा में, 80 लाख बच्चे, और अब तो हमारी पकड़ जो है स्कूल तक बनती जा रही है, मध्य प्रदेश से हमने शुरुआत की है, भाई गणेश बगड़िया साहब ने जो प्रेजेंटेशन दिया मध्य प्रदेश में, पूरी टीम उनकी आई, उनको सुना और इमीडिएटली वो जो है इस कार्यक्रम के लिए वो तैयार हुए कि आप बच्चों से शुरू करिए, 8वीं क्लास के बच्चों से शुरू करिए, ये प्रोग्राम शुरू हुआ। मध्य प्रदेश में बच्चे ही नहीं, इवन जो वयस्क हैं उन लोगों के लिए भी वहाँ पे एक एक राजकीय जो जो संस्थान बना और उसके अंदर अभी 50,000 वॉलंटियर्स इस तरह से अपने आप काम कर रहे हैं। तो मध्य प्रदेश अपने आप में एक उदाहरण बन गया देश के अंदर कि मूल्य आधारित शिक्षा जो है, मूल्यों से जुड़ी हुई शिक्षा जो है वो किस तरह से दी जा सकती है और किस तरह से उसके प्रभाव एक एक जो है पूर्ण रूप से देखे जा सकते हैं। तो मैं तो इस कार्यक्रम के लिए यही कहूंगा, जो ये 75 हफ्ते की हमारी जर्नी है, पहले छोटा छोटा जो भी प्रयास था पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से था, फिर यूपी में विनय पाठक साहब का जो कंट्रीब्यूशन था, फिर आदरणीय चेयरचारण साहब का राजस्थान में जिस तरह से कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, फिर आंध्रा में हमारा हैदराबाद में IIIT वहाँ पे रहा, BHU का रहा, तो मैं तो इसके लिए यही कहूंगा कि मैं अकेला ही चला था, मैं तो अकेला ही चला था जानी बे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया, कारवां बनता गया। इतनी बड़ी लिस्ट आपने, रजनीश अरोड़ा साहब ने जो है 400 से ज्यादा हमारे साथियों की लिस्ट दिखाई है जो दिन रात इस कार्य में लगे हुए हैं, और कल जब हम संवाद कर रहे थे तो उसमें ये बात आई कि ये सिर्फ 417 ही नहीं, पूरा परिवार भी आपके साथ में है, परिवार की ताकत भी इनके साथ में है, और तभी इससे जो है इतना बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन इसके अंदर मिल पा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने शुरू किया और उसी टाइम राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी आई, 2020 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में वही बातें कही गई जो हमारे ये जो वॉलंटियर्स कह रहे हैं, या राजू बस्ताना जी कह रहे हैं, या आदरणीय चारण साहब कह रहे हैं, वही बातें उसके अंदर जो है हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर आई कि आप ऐसे मानव तैयार करिए जो मानव अपने पूरे पोटेंशियल के साथ अपना इस तरह से कंट्रीब्यूशन दे कि जो भी उनके एक्शंस हो, पहले तो उन एक्शंस में क्लैरिटी हो और उस एक्शन से सोसाइटी के अंदर किस तरह से वो हार्मनी ला सकते हैं, दुनिया के चेहरों पे किस तरह से खुशी ला सकते हैं, किस तरह से एक मानव का दूसरे मानव से जो है संबंध को मजबूत किया जा सकता है, मानव मानव का संबंध, मानव का अपने परिवार के साथ संबंध, मानव का प्रकृति के साथ में संबंध, इस संबंध को कैसे मजबूत किया जा सकता है, ये बहुत बड़ी अलग हमारे जो है इसमें जगी।
बहुत अपन गति से इसमें अग्रसर हुए, और अभी मेरे हिसाब से ऐसा कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे हमारी प्रेजेंस नहीं है, जहाँ पे हमारे पास शिक्षक तैयार नहीं है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो सपना है, एक एक जो है ऐसे विद्यार्थी, गुणवान विद्यार्थी तैयार करने का जो सपना है, जो सिर्फ सिर्फ इसी चीज के लिए नहीं हो कि मेरे को जीवन में पैसा कमाना है, वो जो जो एक अंधी दौड़ जो देश के अंदर चल रही थी, विशेष रूप से हमारी शिक्षा में, क्योंकि क्लियरिटी नहीं थी, क्लियर नहीं था विद्यार्थी को, क्लियर नहीं था कि मैं शिक्षा क्यों ले रहा हूँ। कभी भी ये क्वेश्चन या इसका आंसर कोई शिक्षक ने नहीं दिया कि वो विद्यार्थी जो स्किल ले रहा है, जो शिक्षा ले रहा है, वो क्यों ले रहा है। हमने ये तरीके बताते गए उनको कि शिक्षा कैसे लेनी है, आपको आपको पैसे कैसे कमाने हैं, आपको पैकेज कैसे लेना है, हम ये हमेशा सिखाते रहे, लेकिन ये कभी उसको ये नहीं बताया कि आपको ये शिक्षा क्यों लेनी है, आपका ड्यूटीज क्या होगी, आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगी, आपका कर्तव्य क्या होगा, और विशेष रूप से सबसे पहला कर्तव्य अपने आप को समझने में आपका कर्तव्य क्या होगा, अपने परिवार के प्रति आपकी भूमिका क्या होगी, आपकी एक एक सामाजिक आपका दृष्टिकोण क्या होगा, आपसे समाज जितनी उम्मीदें लिए हुए हैं विद्यार्थी से, आप किस तरह से जाके समाज में कंट्रीब्यूट करोगे, आप अपने देश की दिशा और दशा कैसे बदलोगे, और देश दिशा नहीं, ये देश तो इतना बड़ा है, 140 करोड़ की आबादी है, और हमने दुनिया को रास्ता दिखाया है। अगर आप हमारी हिस्ट्री देखें तो हमने दुनिया को रास्ता दिखाया है, तो वो रास्ते के ऊपर पूरे विश्व को अग्रसर कराने के लिए ये हमारी युवा शक्ति किस तरह से आगे बढ़ सकती है। और मेरे को तो ये 400 से ऊपर जो आज अपने जो जो वॉलंटियर्स काम करते हुए दिखे, और जिस तरह से उपासना मैन हमारी जिस तरह से इन चीजों को अच्छे शब्दों में पिरो रही हैं, तो एक एक ये जो टीम बनी है, मेरे को गुरु नानक देव जी का जो है वो एक 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 याद आता है, एक एक घटना जो है, वो किसी गांव के अंदर गए, और गांव के अंदर गए तो उस गांव के अंदर किसी ने उनकी उनकी बात सुनना या उनके प्रति कोई जो आदर दिखाना, किसी तरह का वहां पे माहौल ही नहीं था गांव में। रात रात रुके वहां पे, और जाते टाइम उन गांव के लोगों को कहा कि आप लोग खुशी खुशी यहीं रहो, सब लोग इस गांव में जमे रहो, ये पैर जो है अंगद के पैर की तरह से जमा के रखो, आप जो है मजबूती से इस गांव में रहो। उसके बाद वो दूसरे गांव में गए, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूर जो भी गांव था, उस गांव के लोगों ने बहुत बड़ा जो है गुरु नानक देव जी का आदर किया, सत्कार किया, बहुत ही जो जो एक एक उत्सव जैसा माहौल उस गांव के अंदर हुआ। जब सुबह वहां से गुरु नानक देव जी जाने लगे, लोगों ने जो है उनसे आशीर्वाद लेने के लिए लोग आगे बढ़े, तो गुरु नानक देव जी ने कहा कि आप लोग उजड़ो, आप लोग उजड़ जाओ, मेरा भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग उजड़ जाओ। गांव के लोग आश्चर्यचकित रह गए, गुरु जी कल जो है जो लोग इतना खराब व्यवहार कर रहे थे उनको आपने कहा कि अंगद की तरह से पैर जमा लो, और हम लोगों ने जो है हमारे व्यवहार में कोई कमी रह गई, या हमारे आदर सत्कार में कोई कमी रह गई, या हमारी मेहमान नवाजी में कोई कमी रह गई, या हमारी निष्ठा में कोई कमी रह गई, आप ये करें उजड़ जाओ। तो उन्होंने कहा बिल्कुल उजड़ जाओ, ताकि आप जैसे लोग जहां जहां जाओगे, वो गांव वो कस्बा आप जैसा ही बन जाए, आप जैसे ही व्यवहार, आप जैसे ही सद्गुण जो है आप लोगों में आ जाए। तो इस तरह से मैं ये जो आशीर्वाद दे रहा हूँ, ये वही आशीर्वाद है कि भी आप जगह जगह जो है ये अच्छी चीजें इनका प्रचार प्रसार करो, मेरा ये आशीर्वाद मैं दे रहा हूँ। तो आज के दिन मैं भी इस अपनी टीम को जो है जो AICT के साथ जुड़ी हुई है, AICT तो देश की एक बॉडी है, ऐसी देश के अंदर 30 बॉडीज है, और ये तो अपना तो एक देश है, भारत तो एक देश है, ऐसे 200 देश और है, 200 से ज्यादा देश और है, क्यों नहीं हमारी टीम जो है ये उजड़ के सब देशों में जाए, देश के सब प्रांतों में जाए, सब तरह की शिक्षा में जाए, हमारी मेडिकल एजुकेशन है या फार्मेसी की है, आर्ट्स क्राफ्ट या जहाँ पे भी है हम लोग जाए, तो हम लोग बिखरे, हम लोग उजड़े। हमारा नेपाल तक जो है जो जो हमारा नाम हुआ है, इवन बांग्लादेश के लोग हमारे से जुड़े हुए हैं, पाकिस्तान के लोग जुड़े हुए हैं, चाहे चाहे जितने भी हमारे वैचारिक मतभेद होंगे, लेकिन आम जो नागरिक है वहाँ का वो हमारे इस विचारों से जुड़ा हुआ है, विद्यार्थी भी वहाँ पे जुड़े हुए हैं। तो ये एक अपने आप में जो है बड़ा काम है। और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के साथ में ये भी आया कि जो विद्यार्थी पास होके निकलता है उसमें क्या क्या सद्गुण होने चाहिए। कुछ गुण बना रखे थे, पर ज्यादातर गुण जो है वो रोबोट बनाने जैसे थे। विद्यार्थी को जो है
जो जो स्किल्स जो है कोर स्किल्स है, जो हाथ से काम करने की क्षमताओं वाली बात उसमें बता रखी थी, मानसिक रूप से सोचने की बात बता रखी थी, पर दिल को जोड़ने वाली बात जो है, सामाजिक सरोकार की बात कहीं पे नहीं थी। तो हमारी जो पूरी टीम है, हमारी जो जो यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की टीम है, और जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करने की बात आ रही थी, AICTE को कुछ जिम्मेवारियां दी गई थी, जब इसके अंदर जब ये चर्चाएं हो रही थी, तो हमारी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की टीम हमारे साथ में आई। और सबसे इम्पोर्टेंट ये था कि शिक्षा नीति तो तब इम्प्लीमेंट कर पाएंगे अपन जब अपने को क्लियर होगा कि बच्चा किस तरह का होना चाहिए, उसमें क्या सद्गुण होने चाहिए। तो उन सद्गुणों को भी हमारी टीम ने जो है अलग से इसके अंदर डिफाइन किया, और जिसको ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स कह रहे हैं, जो 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 अमेरिकन एजुकेशन का सिस्टम है वो भी इसको जो है मानते हैं। तो हमने जो जो एट्रीब्यूट्स बनाए, एक तो कोर स्किल्स वाले बनाए, टेक्निकल वाले पार्ट बनाए जो बने हुए ही थे, जो है कि उसने जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ साइंस जो सीखा है वो उसको ज्ञान को अप्लाई कैसे करेगा, उसे नए सिस्टम कैसे बनाएगा, कोई सिस्टम में फॉल्ट आता है तो उसको वो ठीक कैसे करेगा, उसके पास इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की जो 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 क्या क्या कलाएं उसके पास में होगी, वो नए सिस्टम को कैसे डिजाइन कर सकता है, ये सारी चीजें उसके अंदर थी टीम में, वो किस तरह से जो है अपने भागीदारी हो। लेकिन हमारी जो टीम है, जो उन्होंने जो जो उन्होंने सद्गुण जो प्रपोज किए हैं, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति को इम्प्लीमेंट करते टाइम सिर्फ तकनीकी शिक्षा में नहीं, पूरी शिक्षा के लिए जो 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 एट्रीब्यूट्स इसमें डिफाइन किए हुए हैं, जो शिक्षा के हिसाब से थोड़ा बहुत उसमें परिवर्तन भी हो सकता है, लेकिन मेन जो परिवर्तन होगा, जो दिल से जुड़ने वाला बात है, वो किसी भी तरह की शिक्षा हो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इन एट्रीब्यूट्स में जो हम लोगों ने सजेस्ट किए हैं इसके अंदर, जो जो भाई राजुल जी और रजनीश जी ने साथ में मिलकर इनको बनाए, उसके अंदर ये था कि एक एक जीवन का उद्देश्य क्या हो, उसके बारे में पूर्ण संपूर्ण समझ जो है जीवन के बारे में क्या हो, जब वो निकले ग्रेजुएशन करके तो उसके पास ये धन होना चाहिए, संपत्ति होनी चाहिए कि ये जीवन का मेरा उद्देश्य है, इस पथ पे मेरे को चलना है, ये क्लैरिटी बच्चे के दिमाग में लेके आना है। और जो अपन कहते हैं, अपन हम दो बातें कहते थे, AICTE हमेशा दो बात कहती थी कि बच्चा टेक्निकली साउंड हो, प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट हो, ये दो बातें करते थे हम। लेकिन अब हमारी जो जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंदर जो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट हमने बनाए हैं, हमने ये कहा है कि वो सोशली रेलिवेंट कैसे हो सकता है, समाज उपयोगी बच्चा कैसे हो सकता है। तो एट्रीब्यूट की जो अलग से बात कर रहे हैं वो सोशली रेस्पॉन्सिबल, उसका बिहेवियर, अगर किसी किसी समाज के अंदर किसी व्यक्ति की आंखों में आंसू आते हैं तो विद्यार्थी हमारा जो शिक्षा ले रहा है उसकी आंखों में सबसे पहले आंसू आने चाहिए कि मैं इसके आंसू को कैसे पहुंच सकता हूं, ऐसी सहृदयता उसके अंदर होनी चाहिए। जो विद्यार्थी है वो प्रकृति के साथ कैसे जुड़ सकता है, आज से 10,000 साल पहले जब वेदों की बात करते हैं, हम ऋग्वेद की बात करते हैं, ऋग्वेद में सबसे पहले जो शुरुआत ये हुई है उसमें ये कहा है कि प्रकृति से मानव ऊपर नहीं हो सकता, जो 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 है सब कुछ सर्वोपरि है वो प्रकृति है, प्रकृति की पूजा ही मानव का कर्तव्य है, प्रकृति को प्रिजर्व करना ही मानव का कर्तव्य है, प्रकृति जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में ही इसको रखना है। इवन दोष माना गया, अगर नदी बह रही है उसको कोई रोकता है, उसका दिशा बदलता है तो उसको पापी माना गया, कोई पेड़ काटता है तो पापी माना गया, अगर कोई पहाड़ को भी जो है नुकसान पहुंचाता है तो उसको पाप माना गया, राजा भी अगर इस तरह से करता था तो उसको भी उसी तरह की सजा थी जिसे एक साधारण प्रजा का व्यक्ति करता है। तो एनवायरमेंटल के प्रति उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, प्रकृति के प्रति जो है उसका जो कर्तव्य है, उसके बारे में एट्रीब्यूट की बात की गई है। और एक जो मानव जो है उसका कंडक्ट जो है किस तरह से होना चाहिए, उसका व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, उसका एक एक, एक जो 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 निष्पक्ष जो आचरण है वो किस तरह से होना चाहिए, जिसको जस्ट इक्विटेबल सोसाइटी की बात करते हैं, समाज के अंदर भी हर व्यक्ति को एक समानता का अधिकार, जो जीने का अधिकार है, उसके अंदर हमारा बच्चा जो है किस कैसे उनको स्ट्रेंथन कर सकता है। हेल्थ हाइजीन की बात हमने जो है की है कि स्वास्थ्य सर्वोपरि है, हमारे वेदों के अंदर कभी भी बीमारी की बात नहीं की गई है, हमारे वेदों के अंदर जन्म की बात है, मोक्ष की बात है, और पूरे जो प्रोसेसेस हैं हमारे जीवन जीने के तरीके इस तरह से हैं जो प्रकृति के साथ सहभागिता में है, उसके अंदर बीमारी है ही नहीं, बीमारी आनी ही नहीं चाहिए, बीमारी तब आती है जब हम प्रकृति से दूर होते हैं, जब इसके साथ प्रकृति के साथ अन्याय करते हैं। तो हेल्थ हाइजीन की बात भी हमारे एट्रीब्यूट्स के अंदर है, और हर आदमी को जीवन भर स्वस्थ रहने के लिए क्या तरीके हो सकते हैं उसके ऊपर भी बात की गई है। तो और सबके प्रति रेस्पेक्ट, सबके प्रति जो है एक एक अच्छा सा व्यवहार, उसकी उसकी बात की गई है। ऐसा मानव तैयार करने की कल्पना, जस्ट मैं एक छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा, ऐसा मानव तैयार करने की कल्पना इसमें की गई है हमारे एट्रीब्यूट्स के अंदर।
कि दो साथी थे, दो दोस्त थे और वो साथ साथ यात्रा कर रहे थे। चलते चलते कहीं डेजर्ट में से चल रहे थे, निकल रहे थे, चलते चलते उनका आपस में किसी बात पे विवाद हो गया, उनका झगड़ा हो गया किसी बात पे, और उन दोनों में से जब झगड़ा उनका हुआ तो एक साथी ने दूसरे के थप्पड़ मार दिया, थोड़ा मजबूत था वो और दूसरे के थप्पड़ मार दिया, बड़ा हर्ट हुआ वो जो है, दूसरा साथी बड़ा हर्ट हुआ, दोस्ती थी उनकी, जो साथी हर्ट हुआ वो जमीन पे बैठा, उस रेत पे बैठा, उस डेजर्ट में बैठा, और उसने जमीन पे लिखा रेत के ऊपर हाथ से लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे थप्पड़ मारा, और ये रेत पे लिख के और अपने साथी के साथ चल पड़ा। कुछ दूर जाते जाते वो चीज भूल गए जो भी है, चलते चलते कहीं ऐसे एरिया में आ गए जहाँ काफी पानी था, तालाब था, गहरा पानी था, दोनों की कुछ नहाने की इच्छा हुई, लेकिन जिस व्यक्ति के थप्पड़ लगा था वो व्यक्ति उस तालाब में जब वो दोनों नहा रहे थे डूबने लग गया, जब वो डूब रहा था तो दूसरा जो मजबूत साथी था जिसने उसके थप्पड़ मारा था उसने उसको उस तालाब से बाहर निकाला, जैसे ही उसको तालाब से बाहर निकाला उसकी जान बचाई, तो उसने जिसकी जान बची वो बाहर आके पत्थर, बड़ा सा पत्थर था उसके ऊपर वो बैठ के उस पत्थर पे उसने पत्थर से ही लिखा कि आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई, पत्थर से लिखा। तो उस दूसरे दोस्त ने कहा जब थप्पड़ मारा मैंने आपके, तब आपने मिट्टी रेत पे जो है लिखा कि मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरे आज थप्पड़ मारा, मेरे को हट किया, और जब मैंने आपको इस पानी से निकाला तब आपने पत्थर पे जो है उसके अंदर खुदाई की है एक तरह से इन शब्दों की, ऐसा क्यों किया? तो उसने कहा कि खराब चीजें जो है, खराब बातें, खराब व्यवहार थोड़े समय के लिए, जैसे ही वहां पे हवा तेज चलेगी, आंधी चलेगी, वो शब्द मिट जाएंगे, मैं भूल गया उनको, लेकिन जो अच्छा काम आपने किया है वो सब लोगों के लिए एक उदाहरण बने, इसलिए मैंने इस पत्थर पे लिखा है ताकि सब लोग इसको देख के सब लोग इस चीज को याद करें। तो ऐसा ही प्रयास जो है, हमने जो एटीट्यूड्स बनाए, ग्रेजुएट एटीट्यूड्स बनाए हैं, ऐसी सोच हमारे विद्यार्थियों की हो तभी ये देश का स्वरूप बदल पाएगा, तभी ये देश अलग से हमारा दिखेगा। तो ये एटीट्यूड्स हमारा जो सजेशन है, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने माना है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जब अपनी सारी सारी जो जो आउटकम सब सब तरह की शिक्षा के अंदर जो गतिविधियां उनको करनी है, जब वो इस चीज का अध्ययन किया तो इस चीज को उन्होंने इसी तरह से माना है जिस स्वरूप में अपन ने दिया है। अगली स्लाइड भी इसमें शायद मेरे हिस्से की होगी। हाँ, और जब हम टेक्निकल एजुकेशन में, जब ये जो हमने इंडक्शन प्रोग्राम किए, यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का सब्जेक्ट हमने कोर सब्जेक्ट लेके आए, तो हमने देखा कि विद्यार्थियों की सोच और शिक्षकों का आपस में जो संबंध था, कुछ प्रोग्राम्स में गया भी, अब तो नहीं जा पाए साल डेढ़ साल से, लेकिन जब ये हमारा इंडक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ, कुछ जगह मेरे को जाने का मौका मिला, जब उनका 21वां दिन खत्म होता था, उस टाइम उन बच्चों के चेहरों पे जो रौनक दिखती थी, या शिक्षकों से उनका जो, क्योंकि वो तो नए बच्चे थे, स्कूल से आए हुए थे, कॉलेज में आए, पहली बार आए, और हमारी शिक्षा व्यवस्था में टेक्निकल एजुकेशन अलग अलग ब्रांचेज हैं, कोई किसी ब्रांच में चला जाता है, कोई किसी ब्रांच में चला जाता है, और वो सब शिक्षकों से जो भी नहीं पाता, लेकिन इस इंडक्शन प्रोग्राम ने ऐसी उनकी दोस्ती कराई, ऐसे संबंध बनाए कि ऐसे लगता है कि वर्षा बच्चा वो 21 दिन से नहीं, 21 साल से इस प्रांगण में रह रहा है, ऐसा माहौल हमने देखने को मिला। रिलेशनशिप वहां पे मजबूत हुई, उनकी सोच जो है, उनका जो अफेक्शन है, वो परिवार की जो भावना है वो वहां पे आई, और उसको लगा कि अब मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे माँ बाप चाहे तमिलनाडु में हो, मैं या पंजाब में शिक्षा लेने आया हूँ, या बिहार में शिक्षा लेने आया हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरा तो ये बहुत बड़ा परिवार है, उसने तो अपने आप उसको अपना परिवार बना लिया। रिलेशनशिप ऐसी भी कि हमें रैगिंग के केसेस, जब मैंने 2017 में AHT ज्वाइन किया था, ज्यादातर समय हमारे पास शिकायतें ऐसी आती थी कि एक बच्चे ने रैगिंग ली, उसको जो है इस तरह से अट किया, हम कमेटियां भेजते थे, ज्यादातर टाइम इस कमेटियां भेजने में ये रैगिंग को किस तरह से रोकें इस पे लगता था। आश्चर्य की बात है कि उसके बाद जब ये इंडक्शन प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ, जिसके अंदर यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू भी हमारा एक कंपोनेंट है, भारतीय ज्ञान परंपरा भी जो है उसके अंदर पढ़ाते हैं कि कैसे प्रेम, कैसे अफेक्शन जो है हमारी हमारी संस्कारों के अंदर है, ये चीजें जब साथ में बच्चे उठते बैठते खाते खेलते, जब ऐसा माहौल हमने दिया, तो ये जो रिलेशनशिप इतनी मजबूत हुई, रैगिंग वगैरह का नाम ही जो है उसके अंदर खत्म होने लग गया, बच्चों में कमिटमेंट इतना, शिक्षक के प्रति जो उनका व्यवहार, उनकी उदारता, उनके जो संबंध है वो मजबूत होने लगे, और एकेडमिक्स के प्रति भी, एकेडमिक रिजल्ट्स का भी हमें ये लग रहा है कि एकेडमिक रिजल्ट भी इम्प्रूव हो रहे हैं, और इवन जो इंडस्ट्रीज कह रही है कि बच्चा हमारे हिसाब से तैयार नहीं है, बच्चा हमारे काम का नहीं है, बच्चे की सॉफ्ट स्किल्स ये नहीं है, अब जो जो स्टडीज आ रही है उसके हिसाब से एम्प्लॉयबिलिटी भी बच्चों की इंक्रीज हुई है, कम से कम 6-7% जो बच्चों की एम्प्लॉयबिलिटी इम्प्रूव हुई है, और ये लगता है कि प्रोस्पेरिटी जिसको अपन कहते हैं,
कि वो प्रोस्पेरिटी धन धान्य के नहीं, प्रोस्पेरिटी जीवन जीने के तरीके, जीवन जीने का जो एक आनंद है, वो प्रोस्पेरिटी भी हमारे बच्चों के अंदर आई है। कि एज ए रेगुलेटर मेरा विश्वास है इसके अंदर, शायद इससे एडमिशन भी हमारे बढ़ रहे हैं। इवन एक उदाहरण जो है, ट्रिपल आईटी में एक हमारे एम्प्लॉय का, AICT का एम्प्लॉय है, उसके बेटे का ट्रिपल आईटी दिल्ली के अंदर एडमिशन हुआ। अब जब एडमिशन हुआ, लोग उसको कहने लगे कि यार आप यूके वगैरह क्यों नहीं जाते, आप में तो इतना पोटेंशियल है, इंडिया में क्या रखा हुआ है, कौन सी जो है ट्रिपल आईटी है, आप तो यूके में आपका बहुत बड़ा जो है इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाएगा। बच्चा कंफ्यूज हो गया, वो फाइनली घर आ गया कि मैं तो नहीं पढ़ूंगा। हमारा जो साथी यहाँ पे कर्मचारी था, वो मेरे पास आया कि सर कैसे करें, वो बच्चा तो मान ही नहीं रहा, वो तो कह रहा है कि जो है मैं तो यहाँ नहीं पढ़ूंगा। खैर ऐसा समय इस तरह से आया कि वहाँ पे उसी टाइम वो इंडक्शन प्रोग्राम शुरू हुआ। एक आध दिन बच्चा वो जो है, चाहे इच्छा नहीं थी उसकी यहाँ इंडिया में रहने की, लेकिन वो इंडक्शन प्रोग्राम में चला गया। वो प्रोग्राम चल रहा था, इंडक्शन प्रोग्राम का उसने ये 15-21 दिन का सिलेबस देखा, एक्टिविटीज देखी, जिसने जो सारा कुछ पढ़ा, फिर बाद में पता चला कि ऐसे मानव मूल्यों पे हमारा जो है एक सब्जेक्ट भी है। उसने वहाँ पे यूके में उस बच्चे ने अपने मामा वगैरह से बात की कि मामा जी वहाँ जो इंजीनियरिंग कराते हैं वहाँ पे किस तरह का सिलेबस होता है। जब उसका और इसने कंपेयर किया, उसने कहा यार वहाँ तो इस तरह की बात ही नहीं होती, संबंधों की कोई बात ही नहीं होती है। उस बच्चे ने इस इंडक्शन प्रोग्राम से प्रभावित होके यहाँ पे ट्रिपल आईटी में एडमिशन ले लिया, और वो बच्चा अब शायद वो मेरे हिसाब से थर्ड ईयर में अब एंटर हुआ है। माँ बाप बहुत खुश है, बच्चा यहीं पे है और बहुत बड़ा योगदान देगा। तो एक तरह से बच्चों में स्टेबिलिटी भी आई है, बच्चों में क्लियरिटी भी आई है, ये भी इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। एक साथ काम करने की बच्चों की क्षमताएं और एम्प्लॉयबिलिटी की मैं बात कर ही रहा हूँ। इवन ये लगता है कि फैकल्टी को भी जो हमने जोड़ा, हजारों हजारों शिक्षक हमारे जो है ट्रेनिंग लेके, मेरे हिसाब से ये फिगर अब 50,000 से ऊपर है जो ये 1.5 साल का कॉन्ट्रीब्यूशन है इसके अंदर। जो शिक्षक एक संस्थान से दूसरे में, दूसरा अगर 2,000 रुपये देता था पास वाला कॉलेज वाला, वो टीचर यहाँ से छोड़ के उसमें चला जाता, कोई ओनरशिप लेता ही नहीं था। अब ये लगता है कि वो शिक्षक भी इस तरह से जो है जाना कम हो गए हैं, और सुसाइड के केसेस भी काफी ज्यादा इसमें आते थे। हमारे पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठता था कि इतने बच्चे जो है ये टेक्निकल एजुकेशन के इतने सुसाइड क्यों करते हैं। अब मेरे को लगता है न जो पार्लियामेंट से ऐसा क्वेश्चन आता, न कोई संस्थान से हमें आता कि कोई बच्चे ने सुसाइड कर लिया, कोई एजुकेशन के प्रेशर में कोई उसने सुसाइड कर लिया, या उसके दोस्त नहीं थे इस वजह से सुसाइड कर लिया, ऐसा हमारे पास सामने उदाहरण ही नहीं आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा परिवर्तन मेरे को इसमें देखने को मिलता है। अब इस कार्यक्रम को जो शुरुआत करने वाले थे, वर्षों से इसका जो बीज बोने वाले थे, जो एक हमारे पथ प्रदर्शक थे, प्रोफेसर ऋषि राजगोड़ साहब, मैंने भी उनके साथ में शिक्षा ली है, मैंने भी जीवन काफी जीवन मेरा जो है उनके साथ जिया, कम से कम 10 साल तो मैं उनके साथ जुड़ा रहा। ये कोरोना की जब विपदा आई देश के ऊपर, तो उनका कोरोना के अंदर जो है अवसान हुआ, वो इस धरती पर नहीं रहे, लेकिन उनका दिखाया हुआ रास्ता, उनकी यादें, उन्होंने जो संस्कार हमें दिए हैं, हम ऐसे ऐसे महान महान देशभक्त को, महान निष्ठावान व्यक्ति को हमारी तरफ से जो है श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। और सबसे बड़ी श्रद्धांजलि यही होगी कि उनके नाम पे जो AICT ने फरवरी 2021 के अंदर एक डिसीजन लिया था कि इनके नाम पे हम एक राष्ट्रीय अवार्ड देंगे ऐसी संस्थानों को जो इस मानवीय मूल्यों की शिक्षा को ज्यादा ढंग से, ज्यादा अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट करेंगे, उन संस्थानों को हम जो है अवार्ड देंगे। उसका एक परफॉर्मा तैयार करने का काम जो है हमारी टीम कर रही है। हमारे नीतू भगत जो है, जो AICT से देख रहे हैं, उनका भी इसके अंदर बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। सतत जो प्रयास करती हैं, बिना थके हुए जो प्रयास करती हैं, बिना इरिटेट हुए प्रयास करती हैं, और काफी प्रेशर भी उनके पास आते हैं, तो वो जो हमारी यहाँ पे टीम का जो नेतृत्व कर रही है, उस टीम ने भी इसके अंदर बहुत बड़ा काम किया। आज 75वीं FDP है, हम परफॉर्मा इनको अवार्ड देने का तैयार कर रहे हैं, और जो अच्छे संस्थान जो देश के अंदर होंगे उनको हम इसके थ्रू सम्मानित करेंगे। तो 100वां जो FDP हमारा आएगा 25 हफ्ते बाद जो आएगा, उसको हम जो है उस टाइम हमारा ये तैयार होगा, उस टाइम हम उम्मीद करते हैं कि इनके नाम पे ये अवार्ड जो है हम दे पाएंगे, देश को समर्पित कर पाएंगे। और हमने एक जो है डॉक्यूमेंट भी बनाई, पूरी टीम को इसके लिए बधाई, जो होलिस्टिक वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के ऊपर जो पूरा एक डॉक्यूमेंट बना दिया है, किस तरह से हमारी इस वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को हम आज चला रहे हैं, कैसे आगे चलाएंगे। इवन इसके ऊपर माइनर डिग्री का, भारतीय ज्ञान परंपरा पे भी और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज पे भी, जो माइनर डिग्री का इसके अंदर कंसेप्ट लेके आ रहे हैं,
उसके लिए भी काफी प्रयास करके, और जो हमारी उसके अंदर थीम होगी, जो उसके अंदर कोर्सेज होंगे, कैसे माइनर डिग्री दी जाएगी, वो भी इस ये डॉक्यूमेंट जो है वो तैयार किया गया है। इसके लिए भी मैं पूरी टीम को बधाई दूंगा, और ये कॉपी जो है मेरे पास में भी अवेलेबल है, बहुत सुंदर जो है बन के आई है, पूरी टीम का बहुत बड़ा प्रयास है, और ये भी एक जो है हर एक बच्चे के लिए, हर एक टीचर के लिए एक बहुत बड़ी हेल्प होगी इस डॉक्यूमेंट के माध्यम से। तो मेरी तरफ से फिर से जो है शुभकामनाएं, और ये डॉक्यूमेंट आज हम जो है पूरे देश के शिक्षक के जो जो जुड़े हुए हमारे साथी हैं उनको समर्पित करेंगे। तो ये शुभ अवसर है, आप सभी श्रेष्ठ जनों की उपस्थिति है, और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 की अपेक्षा आइए इस संयोग को यादगार बनाते हैं, और इस डॉक्यूमेंट रिलीज के साथ में जिसका पुनिया सर ने अभी अनाउंसमेंट किया, तो सभी लोग कैमरा ऑन करके तालियां बजाते हुए इस शुभ अवसर को कैप्चर करने का है ना एक सु अवसर इसको अवेल करते हैं। सभी से निवेदन है, बहुत बहुत बधाई सभी को, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। सभी से ये भी निवेदन कि ये डॉक्यूमेंट जरूर पढ़ें, आपके जो आप तक चिट्ठी पहुंची है, जो आप तक इनविटेशन पहुंचा है उसमें ये डॉक्यूमेंट का लिंक दिया हुआ है, इसको पढ़ें, आपके फीडबैक की हम सभी को हृदय से अपेक्षा रहेगी। जी तो कोटि से धन्यवाद वीसीएम सर आपके आशीर्वचनों के लिए भी, और आपके एआईसीटी की पूरी टीम के सत प्रयासों के लिए भी। शिक्षा के क्षेत्र में अपेक्षित जिम्मेदारी के निर्वाह हेतु हमें सुअवसर प्रदान करने के लिए भी आपका हृदय से अभिवादन और आभार सर। प्रोफेसर राजीव कुमार जी, मेंबर सेक्रेटरी एआईसीटी, जिनके सानिध्य में योजना बनाने से लेकर क्रियान्वयन तक एक चरणबद्ध कार्यक्रम संपादित होता रहा है, अब मैं आपको आमंत्रित कर रही हूँ अपने तजुर्बों और भविष्य की योजनाओं को साझा करने के लिए। राजीव सर आपका स्वागत है। प्रणाम सर। नीतू जी को बुला सकते हैं अभी, वो कर देंगे इस काम को। अच्छा नीतू जी, ठीक है जी। बहुत बहुत धन्यवाद उपासना दी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि प्रोफेसर राजीव कुमार मेंबर सेक्रेटरी एआईसीटी इज ऑन ऑफिशियल टूर टुडे and maybe he will not be able to join this program, but his contribution to this program is immense. In fact, ye jo program 3 saal pehle start hua tha, us samay wo hamare policy and academic planning bureau mein advisor the, aur unhi ke netratva mein ye jo program hai ye shuru hua tha, aur unke saath mein maine kafi time is vishay pe kaam kiya hai, unke guidance se kaam kiya hai, to unko bahut bahut dhanyawad। और जो बहुत सारी चीजें हैं इस प्रोग्राम के बारे में, काफी जो इनिशियल नॉलेज होती है इस प्रोग्राम की वो उन्होंने मुझे दी थी। एक पहला क्वेश्चन जो हम लोगों के दिमाग में आता है कि भाई एआईसीटी तो तकनीकी शिक्षा संस्थान है, और हम लोग यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में इतना इतना टाइम दे रहे हैं, इतना फोकस कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं? तो जो हमारे जो लीडरशिप है उन्होंने जो हमें समझाया वो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी। जो भी नॉलेज है, नॉलेज विदाउट एथिक्स इज वेरी डेंजरस। इफ वी आर क्रिएटिंग इंजीनियर्स विदाउट एथिक्स, दे विल नॉट कॉन्ट्रीब्यूट टू द सोसाइटी, दे विल मे बी दे विल बी दे कैन बी डिस्ट्रक्टिव टू द सोसाइटी। सो एनी नॉलेज हैज टू बी क्लब्ड विद द एथिक्स एंड मॉरल वैल्यूज, एंड नॉट ओनली गिविंग द वैल्यू एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी स्टूडेंट। सो दिस इज द टारगेट ऑफ AICTE, और इसी के साथ में 3 साल पहले ये काम हमने शुरू किया था, और जो पहली चीज जो हमने रिकमेंड की थी सभी स्टूडेंट्स के लिए वो था 21 दिन का मैंडेटरी स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। कोई भी बच्चा जब कॉलेज में आता है तो वैसे तो कहा जाए तो क्योंकि वो स्कूल से आया है काफी कुछ सीख के आया है, लेकिन स्कूल और कॉलेज के एटमोसफियर में बहुत डिफरेंस होता है, और
जो हायर एजुकेशन होती है, आई थिंक आप लोग सभी ने मतलब ये महसूस किया होगा कि वो आपकी लाइफ का एक गेम चेंजर होती है। हायर एजुकेशन में आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, कितना इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं और क्या सीख रहे हैं, उससे आपका लाइफ का फ्यूचर जो है काफी हद तक वो डिफाइन होता है। तो वो 21 डेज स्टूडेंट को एक बहुत ही प्रॉपर इंडक्शन प्रोग्राम जो है डिजाइन किया गया है, वो इंडक्शन प्रोग्राम AICTE के FDPSI पोर्टल पे अवेलेबल है। और उसका इम्पोर्टेंट पार्ट जो है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज है, इट इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज बेस्ड स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम। तो यहाँ से बच्चे में एक इंडक्शन दिया जाता है यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज का। उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज हमने की वो ये थी कि एक 3 credit का कोर्स UHV2 जो है वो हमने रिकमेंड किया फॉर ऑल द टेक्निकल इंस्टीट्यूशन, एंड दिस इज मैंडेटरी दैट ईच एंड एवरी टेक्निकल इंस्टीट्यूशन हैज टू provide this course to students either in first, second, third or fourth semester. So it can be given at any point of time, but it is mandatory. And apart from this, we are also recommending institution ki every faculty must have a holistic and humane world vision. Means every faculty should at least once attend the Universal Human Values Program FDP. And मैं आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी। आज ये सिचुएशन है, हम जहां भी जाते हैं अगर हम 10 फैकल्टी मेंबर से मिलते हैं तो एटलीस्ट 3 or 4 हमको कहते हैं कि हमने ये प्रोग्राम अटेंड किया है, और उसमें से एटलीस्ट 2 ऐसे होंगे जो उस प्रोग्राम की को उन्होंने एटलीस्ट अपने लिए लाइफ चेंजर बताया होगा और कहा होगा कि उसमें से कितनी चीजों ने उनकी लाइफ की कितने पर्सनल एंड प्रोफेशनल एस्पेक्ट्स को इम्पैक्ट किया है बहुत ही पॉजिटिवली। तो ये प्रोग्राम जो है इंडक्शन प्रोग्राम में FDP जो है हम पिछले 3 साल से कर रहे हैं, पहले कोरोना से पहले हम फेस टू फेस कर रहे थे, अभी हम ऑनलाइन मोड में कर रहे हैं। और जो AICTE की अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक है उसमें हमने रिकमेंड भी किया है कि एवरी कॉलेज मस्ट प्रिपेयर एटलीस्ट 1 UHV फैकल्टी मेंबर फ्रॉम ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट फॉर एवरी 20 न्यूली ज्वाइंड स्टूडेंट्स। So this is required for every 20 newly joined students, one faculty member in each department should be trained in universal human values, and you know they can also help a student in mentoring them properly, you know, because this program itself changes your worldview. You must have attended this program, at least the people who are connected with us, and they must have felt ki is program ke baad mein shayad aapka jo perspective hai towards the teaching, towards the student, wo bahut change hua hoga. और इसके अलावा AICTE ने एक इंडक्शन प्रोग्राम सेल एस्टैब्लिश किया है, और उसमें जो है मेरे साथ में एक बहुत ही अच्छी टीम जो है काम कर रही है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी। अभी अगर प्रोग्रेस की बात करें तो AICTE में राइट नाउ टोटल 9643 कॉलेजेस AICTE अप्रूव्ड है, एंड जिसमें से 98% ने इंडक्शन प्रोग्राम जो है कंडक्ट किया है, एंड रेस्ट जो है मैंडेटरी SIP फॉर इन द फॉलोइंग जो एकेडमिक ईयर है उसमें रेस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन विल आल्सो कंडक्ट दिस प्रोग्राम, एंड ऑलमोस्ट 20% हैव प्रिपेयर्ड देमसेल्फ फॉर द UHV2। We had collected this information through mandatory form, which is normally asked to the institution to fill during the approval process. And we can see that there is a scope for improvement in terms of UHV2. Because UHV2 mein thoda sa jab tak faculty hamari taiyar puri tarah nahi ho jati hai, to usko implement karna thoda mushkil hai. Because UHV2 course padhane ke liye aapko जो 5 days का ऑनलाइन प्रोग्राम है, इनिशियल प्रोग्राम FDP, वो अटेंड करना होगा। उसके बाद में वेरियस रिफ्रेशर कोर्सेज हैं, उनको अटेंड करने के बाद में ही आप पूरी तरह से उस कोर्स को पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड पोटेंशियल ऑफ दिस प्रोग्राम इज दैट एवरी कॉलेज कैन बी अ लिविंग मॉडल ऑफ एन इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी। जस्ट 100 सच कॉलेजेस बी द नोडल सेंटर फॉर सोसाइटल transformation. You know, each and every college has a big impact on the nearby community, and if 100 such colleges are involved in taking this initiative to the students, I think they have big impact on the society. The students who are actually being groomed in these colleges, they will be very useful for the society.
इसके अलावा AICT इस समय जो काम कर रहा है कि माइनर डिग्री इन यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू जो है वो एक सजेस्ट करनी चाहिए। आप सब लोगों को पता है कि आने वाले टाइम में जो है जो जॉब्स हैं वो किस एरिया में आएंगी और किस एरिया में खत्म हो जाएंगी, शायद हम सब लोग अभी असमंजस में हैं, क्योंकि जो मैकेनाइजेशन और ऑटोमाइजेशन का टाइम है, इसके बाद में बिकॉज ऑफ रोबोटिक्स एंड ऑल बहुत सारी जॉब्स जो है वो खत्म हो जाएंगी और बहुत नई जॉब निकल के आएंगी। तो ऐसे में मैंने कहीं पढ़ा था, उन्होंने ये कहा था कि जॉब्स का कुछ पता नहीं लेकिन एक चीज जो है वो हमेशा डिमांड में रहेगी, वो है इफ यू हैव अ जील टू वर्क फॉर द ह्यूमैनिटी, क्योंकि ह्यूमैनिटी को ऐसे लोगों की बहुत जरूरत रहती है जो कि सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, जो नीडी लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो अगर आपके अंदर ह्यूमैनिटी है, यू हैव अ गुड परसेप्शन टुवर्ड्स द लाइफ, टुवर्ड्स द एनवायरमेंट, टुवर्ड्स योर सेल्फ, इन दैट केस यू आर वेरी मच रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी सेक्टर, ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ द जॉब, ईच एंड एवरी सेक्टर ऑफ लाइफ। सो आई थिंक कीपिंग दिस इन माइंड जो AICTE ने जो है माइनर डिग्री प्रोग्राम जो है वो प्रपोज कर रहे हैं, अभी इट इज अंडर प्रोसेस, बहुत जल्दी इसको हम अपडेट कर देंगे अपने मॉडल करिकुलम में एंड देन इट विल बी रिकमेंडेड टू ऑल द स्टूडेंट्स। एंड वी आर ऑल्सो इन द प्रोसेस ऑफ कमिंग विद द माइनर डिग्री स्ट्रीम इलेक्टिव्स, ओपन इलेक्टिव्स इन इंडियन नॉलेज सिस्टम्स। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में इम्पैक्ट, इफ यू टॉक अबाउट द मैंडेटरी इंडक्शन प्रोग्राम, इंडियन नॉलेज सिस्टम इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ दिस इंडक्शन प्रोग्राम। UHV2 जो है वो ऑलरेडी हम मैंडेटरी कर चुके हैं, IKS2 पे भी एक कोर्स बनाने के प्रोसेस है, वो भी बहुत जल्दी ही हम रिकमेंड करेंगे कॉलेजेस को। एंड इसके बाद में इलेक्टिव्स और माइनर डिग्री इन इंडियन नॉलेज सिस्टम, क्योंकि आप सब जानते हैं कि इंडिया का जो हमारा जो इतिहास है वो इतना गौरवशाली है और ऐसी बहुत सारी हमारी जो खोज है जिनके बारे में अभी हमारे स्टूडेंट्स को पता ही नहीं है, और उन खोज को ही अगर हम अच्छे से समझ लें तो शायद एक नया रास्ता जो है अपने रिसर्च को आगे ले जाने का हमको मिल सकता है। तो हम इसी को ध्यान में रखते हुए इंडियन नॉलेज सिस्टम आज जो है सभी स्टूडेंट्स तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर हम ये जो इतना सारा काम हुआ है या हम कर रहे हैं, इसमें AICTE की लीडरशिप का विजन है, AICTE की टीम का सपोर्ट है, लेकिन हम सबसे ये कुछ नहीं हो पाता जब तक इसमें इतने सारे वॉलंटियर्स जो है वो जुड़ते नहीं। लगभग 400 से ज्यादा वॉलंटियर्स हैं जिन्होंने 13,000 से ज्यादा पर्सनल डेज, ये ऐसे एज सच पर्सनल डेज नहीं है, ये आवर्स हैं जो उन्होंने अपने पर्सनल टाइम में से कंट्रीब्यूट किए हैं। तो उन लोगों के कंट्रीब्यूशन, उन लोगों के डेडिकेशन के बिना ये बिल्कुल भी संभव नहीं था। और ये जो UHV2 का हमारा प्रोग्राम है, ये जो ऑनलाइन मोड में हम चलते करते हैं, लेकिन ऑनलाइन मोड में भी इसकी इफेक्टिविटी बिल्कुल कम ना हो, इसके लिए बहुत ही रिगरसली ये प्रोग्राम किया जाता है। एंड अगर 100 लोग इसको अटेंड करते हैं तो शायद उसमें से सर्टिफिकेट 50 लोगों को ही मिल पाता है, क्योंकि जब तक आपने अटेंड किया लेकिन आपने सीरियसली नहीं अटेंड किया, आपने सभी उसके प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं किया और फाइनल जो है आपने अपने जो रिजल्ट जो है उसका लर्निंग में नहीं कन्वर्ट हुआ, तो इन दैट केस सर्टिफिकेशन का कोई फायदा नहीं है, इसीलिए सर्टिफिकेशन बहुत कम लोगों को मिलता है। और इसके बारे में और भी बताना चाहेंगे, ये प्रोग्राम जो है ऑनलाइन मोड में AICTE को देखा जाए इट्स वेरी कॉस्ट इफेक्टिव प्रोग्राम, एंड ऑनलाइन मोड में इट इज नॉट कॉस्टिंग नॉट मोर देन 25 पैसा पर रजिस्ट्रेंट, एंड सभी स्टेट से अब तक पार्टिसिपेंट इसमें जो है पार्टिसिपेट कर चुके हैं और उनका फीडबैक जो है वो अमेजिंग रहा है। एंड ये मैं आपको बताना चाहूंगी कि फरवरी 2021 में जब ये कोरोना का टाइम आया था और सब लॉकडाउन हुआ था, तो उस समय जो है हमने ये सोचा कि क्या हम इसको ऑनलाइन मोड में इस प्रोग्राम को करें, क्योंकि उससे पहले हम हमेशा फेस टू फेस मोड में करते थे। तो हम लोग भी और इनफैक्ट हमारी NCC IP की टीम, हम सब लोग थोड़ा सा चिंतित थे कि ये कैसे हो पाएगा, क्योंकि ये प्रोग्राम में बहुत ज्यादा डिस्कशन है,
बहुत ज्यादा बातचीत है जिससे जो है लोग अपने प्रॉब्लम्स की बात भी करते हैं और उसको यूएचवी के जो प्रिंसिपल्स हैं उनके उनके थ्रू समझने की कोशिश भी करते हैं। तो ऑनलाइन मोड में ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा कैसे होगा ये मन में ये था, तो इसलिए लेकिन हमारे जो चेयरमैन सर हैं और इनको हम विजनरी लीडर इसीलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने कहा कि नहीं ये हो जाएगा और इसके लिए जो है सबसे पहली जो एफडीपी करेंगे वो एआईसीटी के ऑफिसर्स के लिए करते हैं। तो पहली ऑनलाइन एफडीपी एआईसीटी के ऑफिसर्स के लिए की गई थी और उस 5-day एफडीपी में वी फाउंड की यस दिस कैन बी पॉसिबल, इट इज गोइंग टू बी इफेक्टिव। हम पूरा डिस्कशन भी उसमें कर पा रहे थे, हमारे सभी क्वेश्चन का आंसर भी, एंड द लर्निंग विच वॉज हैपनिंग इट वॉज सो गुड कि इसको हमने वी स्टार्टेड एट दैट टाइम एंड उसके बाद देख लीजिए आज हम 75th एफडीपी का जो है वेलडिट्री में आज प्रेजेंट है। तो इस पूरे जर्नी के लिए हमारी लीडरशिप का बहुत बहुत धन्यवाद और AICT की ये सारा जो मटेरियल है, इनफैक्ट जो स्टूडेंट एक्शन प्रोग्राम का सिलेबस है, UHV2 का प्रोग्राम है, ये सारे लेक्चर्स जो हैं ये सब AICT की वेबसाइट FDPSI पोर्टल पे अवेलेबल है। इनफैक्ट यूट्यूब में भी इसके लेक्चर्स जो हैं अवेलेबल हैं। वी विल ट्राई दैट दीज लेक्चर्स शुड बी कन्वर्टेड इनटू स्वयं कोर्सेज एंड should be uploaded there also, but abhi right now if you want to learn them it is all the online material is available on FDPSI portal and AICT ka jo media cell hai wo bhi iske program ko bahut level tak le jane ke liye AICT ka jo media handle hai AICT media YouTube is pe agar aap jayenge to aapko AICT ke iske FDPSI ke bahut sare online programs jo hai wo aapko mil jayenge। यस, एवरी वीक जो है हम एक नई एफडीपी शुरू करते हैं और इसमें जो है एवरी मंडे जो है 9:30 पे एक 1 hour सेशन होता है एंड उसके बाद में आफ्टरनून में डिस्कशन सेशन है। सो दिस इज अ वेरी प्लान्ड एंड वेल एस्टैब्लिश्ड सिस्टम एंड एवरी वीक वी आर डूइंग दिस, बट यस इट वॉज नॉट पॉसिबल विदाउट द टीम, दे आर बिहाइंड दिस, सो मेनी मेनी थैंक्स टू ऑल ऑफ देम। And apart from NCC UHV and NCC IP team, AICT ki leadership, AICT mein there are more people who are actually behind this program. If you talk about, for example, Colonel A. Srinath, he is director in Policy and Academic Planning Bureau. He is, wo humko help karte hain, jo humara curriculum hai, model curriculum hai. उसमें जो है हम UHV को कैसे इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं विद द रिकमेंडेशन फ्रॉम द ड्यूक कमिटीज। कमिटीज आर देयर, दे आर एक्चुअली गोइंग टू द कंटेंट, दे फाउंड इट वेरी यूजफुल, देन ओनली दे रिकमेंड फॉर दिस टू बी इंक्लूडेड इन द मॉडल करिकुलम। कर्नल बी वेंकट, ही इज डायरेक्टर ऑफ फैकल्टी डेवलपमेंट सेल, ही इज अगेन सपोर्टिंग दिस प्रोग्राम थ्रू हिज टीचर्स ट्रेनिंग पॉलिसी। इंडक्शन प्रोग्राम सेल इन AICT is cannot function without the people who are behind this. For example, Aditya Saini is young professional with us and a very energetic youth, and he is helping us in scheduling all these activities. He is very good at IT. Our IT consultant Nista Gupta, she is also a kind of backbone. She herself created the portal for this FDPSI portal. And MC Sharma ji, he has also been a very good support for this program. So everyone in induction program cell, my DOs and in fact consultant, so I'm thankful to all of them. With this I think मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ये प्रोग्राम इसी तरीके से आगे चलता रहेगा और अभी AICT से स्टार्ट होके शायद सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तक ये पहुंचेगा। AICT, UGC, स्कूल एजुकेशन, सब जगह इसकी पहुंच हो। इनफैक्ट एवरी स्टूडेंट शुड बी बेनिफिटेड थ्रू दिस थ्योरी, थ्रू दिस इनिशिएटिव। दिस इज माय विश। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत बहुत धन्यवाद नीतू जी, आपकी ब्लेसिंग शुभकामनाओं के लिए भी और एज डिप्टी डायरेक्टर IPC आपके एक्टिव थ्रू आउट पार्टिसिपेशन के लिए भी हृदय से आभार। प्रोफेसर चारण,
Chairman NCUHB and former Vice Chancellor BTU. सर आपसे सहृदय निवेदन है कि सभा के मार्गदर्शन के लिए मूल्य शिक्षा से संबद्ध अपने विचारों को साझा करें. प्रणाम सर. नमस्कार. प्रणाम. बहुत बहुत धन्यवाद. आजादी के 75 वर्ष और इस 75 वर्ष में मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव के अवसर पर यूएचवी द्वारा ये 75वां वर्कशॉप शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए शिक्षण के लिए इस अवसर पर मैं यूएचवी की तरफ टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं. आदरणीय अनिल शस्त्रबुद्धे जी ऑनरेबल चेयरमैन एआईसीटी ऑनरेबल वाइस चेयरमैन एआईसीटी प्रोफेसर एमपी पुनिया साहब ऑनरेबल मेंबर सेक्रेटरी एआईसीटी प्रोफेसर राजीव कुमार जी मैडम नीतू भगत डिप्टी डायरेक्टर और एआईसीटी पे इस कार्य को प्रमुखता से संचालन करने के लिए उनकी सारी टीम आदरणीय रजनीश सोडा जी जो यूएचबी की तरफ से इस संपूर्ण कार्यक्रम के संचालन में अपनी महत्वपूर्ण भागीदारी निभा रहे हैं और वस्तुतः उन्हीं के मार्गदर्शन में काम करते करते यहाँ पहुंचे हैं और मैं व्यक्तिगत रूप से देखूं तो मैं उन्हीं का एक तरह से फॉलो करते हुए ही इस कार्यक्रम से जुड़ा हूं और अब तक जुड़ा हुआ हूं. यूएचबी की सारी टीम और सबसे ऊपर मेरे सभी शिक्षक साथी जो इस कार्यक्रम में जुड़े हैं उन सबका मैं यूएचबी की तरफ से एक बार फिर अभिनंदन करता हूं. वर्तमान जो व्यवस्था समाज में है उसको हमने आधुनिक समाज का नाम दिया है और इस आधुनिक समाज की व्यवस्था जो भौतिकवाद पे आधारित है कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा व्यवस्था हो ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो और हम ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं का संग्रहण कर पाए और उससे आधारित जो हमारा जीवन है वो हमारा जीवन सुखी होगा हमारा जीवन संपन्न कहलाएगा. और इससे ऐसे जीवन से चलते हुए जो समस्याएं सामने आ रही है उन समस्याओं और इस तरह की संस्कृति का अगर हम तुलनात्मक अध्ययन करें और तो लगता है कि हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल सोसाइटी थी जो मूल्य आधारित संस्कृति थी जो मूल्य आधारित जीवन था जिसमें अपने लिए नहीं दूसरे के लिए जीने को ही सुख कहते थे इन दोनों में एक तरह से द्वंद्व चल रहा है. इस आधुनिक व्यवस्था को आधुनिक संस्कृति का नाम भी दिया जा रहा है और इस आधुनिक संस्कृति में संस्कार के आधार पर जीवन में मूल्यों में कमी की वजह से जो व्यवस्था में और आपसी रिश्तों में जो कमी आई है जो खटाई आई है उसके दुष्परिणाम से हर व्यक्ति दुखी है और वह मन ही मन ये सोचता है कि इससे कैसे बाहर आया जाए. लेकिन कभी कभी समाज में इस व्यवस्था को देखते हुए लगता है कि शायद अब बाहर आना शायद संभव नहीं हो जिस कुचक्र में हम फंस गए हैं आधुनिक सभ्यता संस्कृति की शायद इससे बाहर आना संभव नहीं. लेकिन यूएचवी ने जिस प्रयोग को किया कि मूल्य आधारित जीवन जिया जा सकता है उसको लागू किया जा सकता है अपने आप में और उसको आगे बढ़ा के समाज तक ले जाया जा सकता है उसे एक बहुत बड़ी आशा बनी है. और इस उम्मीद के साथ में जब यूएचवी के अब तक के आयाम को देखते हैं तो तब लगता है कि ये उम्मीद जो है आगे बहुत दूर तक जाने वाली है. इसमें निश्चित रूप से यह कहा गया कि अगर समाज की कुछ व्यवस्था को बदलना है तो निश्चित रूप से शिक्षा को बदलना होगा और यही ये यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू के माध्यम से शिक्षा को बदलने की कल्पना के साथ में आगे बढ़ रहे हैं. जब शिक्षा को बदलने की बात आती है तो शिक्षा को बदलेगा कौन. इस शिक्षा को बदलने के लिए सबसे पहले आती है कि इसको इसकी पॉलिसी मेकर जो तय करने वाले हैं जो पॉलिसी को तय करते हैं जो शिक्षा को सर्वोच्च से लेके सबसे नीचे के स्थान तक पहुंचाने की जो नीति बनाते हैं नीति निर्धारक है उनका एक महत्वपूर्ण रोल सामने आता है. और अब हमारे सामने NEP 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने ये निश्चित रूप से साबित कर दिया कि वो उसके लिए समर्पित है. उसने अपने डॉक्यूमेंट के पहले पेज की पहली लाइन में ये लिखा है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए है और ऐसा जो व्यक्ति बने जो समाज जो तैयार हो उस व्यक्ति के आधार पर जिसका संपूर्ण विकास व्यक्ति का विकास होगा समग्र विकास होगा तभी जो समाज बनेगा वो समाज न्यायपूर्ण होगा समतापूर्ण होगा और ऐसा जहां समाज होगा वो ही राष्ट्र उन्नति करेगा और दूसरे राष्ट्रों की उन्नति में भी भागीदार हो सकेगा.
मैं समझता हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण सबसे बड़ी जो एपेक्स बॉडी है मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री जैसे डॉक्यूमेंट के रूप में इसको लागू कर दिया और लागू करने के अगले कदम जो जो हो सकते हैं वो लगातार कर रही। लेकिन इसके बाद जो कड़ी है जो देश के स्तर पर सर्वोच्च स्तर पर जो एपेक्स बॉडीज है UGC AICTE अन्य जो संस्था है उनकी जिम्मेवारी बनती है कि इसको मैंडेट को आगे ले जाए। मैं AICTE की बहुत तारीफ ही करना चाहूंगा और मुझे आश्चर्य भी होता है कभी कभी इस बात को लेके कि AICTE ने इस बात को 2020 से बहुत पहले 2017-18 में भी इस बात को समझ लिया कि शिक्षा में मूल्य आधारित शिक्षा बहुत जरूरी है। स्किल भी सीखेगा तो मूल्य आधारित स्किल होना चाहिए, मूल्य आधारित कौशल होना चाहिए। मुझे लगता है कि ये ज्ञान जो उनको जिस तरह से मिला होगा, बहुत से लोग इस बात को मानते हैं कि मूल्य आधारित शिक्षा होनी चाहिए, ये जानना बहुत बड़ी बात नहीं थी, लेकिन ऐसे हालात में इसको इम्प्लीमेंट करना, लागू करना और नीति में लाना, डॉक्यूमेंट बनाना, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा काम था। जो एक उदाहरण पेश किया उन्होंने, उस उदाहरण से हमारे लिए इस विषय को आगे ले जाना, शिक्षक ले जाना बहुत आसान हो गया। मैं बात अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कि 2018 से पहले जब इस विषय को मैंने अपनी यूनिवर्सिटी में लागू करने की कोशिश की, एज ए डीन एकेडमिक लागू करने की कोशिश की, तो मुझे पता है कि किस तरह से लोगों ने कितने सारे प्रश्न का मुझे सामना करना पड़ा, कितने सारे प्रश्न करने वालों ने इस विषय को किस तरह से इसको निष्प्रभावी करने की कोशिश की, किस तरह से इसको डाइवर्ट करने की कोशिश की, किस तरह से इस विषय के अंदर दूसरे विषय जोड़ के उसको हल्का बनाने की कोशिश की। मेरे अपने दोस्तों ने उनको समझाना मुश्किल था। और इस नीति लागू करने के बाद या इसी तरह इसको लागू करने के बाद जब मैं वाइस चांसलर के रूप में देखा तो बहुत आसान है वाइस चांसलर के लिए इसको लागू करना। तो मैं समझता हूँ कि मिनिस्ट्री से लेके अपेक्स बॉडी से लेके वाइस चांसलर तक इसको लागू करना बहुत आसान है। वो अपने ऑर्डर में इसको, अपने सिलेबस में, अपने स्कीम में इसको लागू कर सकता है, लेकिन ये जो लागू करना होगा वो कागजों में लागू करना होगा। जब तक हमारा शिक्षक इस शिक्षा नीति से जुड़ेगा नहीं, इस NEP के मैंडेट से जुड़ेगा नहीं, मूल्य आधारित शिक्षा से जुड़ेगा नहीं, और जब मैं जुड़ने की बात करता हूं तो जब तक एक इस कोर्स से निकलेगा नहीं, इस वर्कशॉप से निकलेगा नहीं, तब तक वो न्याय नहीं कर सकता। यह बात भी मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि जब मैंने इसको अपने विश्वविद्यालय में लागू किया और जब मैंने अपने शिक्षकों को वर्कशॉप करने के लिए कहा तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि शिक्षक बहुत बेमन से कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि उन पर थोपा जा रहा है, उनको जबरदस्ती कहा जा रहा है, ऑर्डर से कहा जा रहा है। तभी मुझे ध्यान आया कि मुझे अब सबसे पहले वर्कशॉप करना चाहिए, और जब मैं खुद 8 दिन का वर्कशॉप करके आया, मेरे डीन डायरेक्टर के साथ करके आया, तो उसके बाद ये रास्ता बहुत आसान हो गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि मेरे शिक्षक साथियों का रोल बहुत महत्वपूर्ण है। एपेक्स बॉडी अपना काम कर रही है, मैं लगता हूँ कि ये एक तरह से सेना की तरह है, जो आधुनिकता और मूल्य आधारित संस्कृति इसके बीच में एक बड़ा का द्वंद्व चल रहा है। इस द्वंद्व में हमारा जो रोल है एक सेना के रूप में, ये पॉलिसी मेकर, एपेक्स बॉडी, ये वाइस चांसलर, ये सब सेना के सेनापति के रूप में काम करते हैं, लेकिन अंतिम युद्ध जो लड़ना है, जिसको प्रमुखता से लड़ना है, जिसको बॉर्डर पे जाके लड़ना है, जिसको विद्यार्थी तक ले जाना है, उसका काम हमारे शिक्षक का। कई बार हमारे शिक्षक ये भी बोलते हैं कि जैसा समाज होगा वैसा शिक्षक होता है। मैं समझता हूँ कि शिक्षक के लिए ये कहना ठीक नहीं। शिक्षक का दायरा बहुत बड़ा होता है, उसका दायरा समाज के संपूर्ण परिवर्तन के लिए होता है। जब विद्यार्थी का परिवर्तन शिक्षक को देख के होता है, उसके आचरण को देख के होता है, उसके व्यवहार को देखते होता है, तो विद्यार्थी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक इसको ले जाता है। मुझे लगता है कि हमें अपने शिक्षक के अपने दायरे को कम नहीं समझना चाहिए, उनकी शक्ति को कम नहीं समझना चाहिए। वो तो उनमें इतनी शक्ति है कि उनकी शक्ति का मुझे लगता है एहसास नहीं हो रहा, तभी तो शायद वो ऐसी बात कहते हैं कि जैसा समाज होगा वैसे शिक्षक होगा। नहीं, शिक्षक तो समाज का आईना है, जैसा शिक्षक होगा वैसा समाज होगा। इसलिए सबसे पहले हमारे शिक्षकों से ये मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो इस तरह के कोर्स से निकले, जो इस कोर्स से निकले हैं वो अपने और साथियों को प्रोत्साहित करें, सब साथियों को ही प्रोत्साहित करें, समाज में जहाँ वो है वो अपने व्यवहार से, अपने आचरण से साबित करें कि आपने कुछ उनसे हटके सीखा है, हंस के जाना है, और हटके जाना जो है उसको व्यवहार में ला रहे, जीवन में जी रहे, तभी तो आप समाज का आईना है। मुझे लगता है इस महत्वपूर्ण कड़ी को जब तक आप समझेंगे नहीं, तब तक ये बात एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाएगी नहीं। आपका बहुत बड़ा दायरा है, बहुत बहुत बड़ा जिम्मेवारी है आप पे। मैं महसूस करता हूँ, मैंने अपने विश्वविद्यालय में देखा है कि जो शिक्षक इससे निकले हैं उसने अपना दायित्व को बहुत भली भांति निभाया है, और उनका परिवर्तन अपने खुद के जीवन में और उनसे जीवन से विद्यार्थियों तक पहुंचता।
इसलिए शिक्षक साथियों जो कुछ भी आप जो कर रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण बहुत महान कार्य अपने लिए ही नहीं आप इस संपूर्ण समाज के लिए कर रहे हैं। बहुत से लोग समझते हैं कि इससे हमारा जीवन सहज और सरल हो रहा है, इतना पर्याप्त है। इतना पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त सहज और सरल जीवन हुआ है वो विद्यार्थी तक जाना चाहिए और विद्यार्थी संस्कारित होना चाहिए, तभी आपका जीवन सफल है। और इसलिए मैं एक बार फिर आपसे इस अपेक्षा के साथ कि आप इसको संपूर्ण रूप से आगे प्रचारित करेंगे, प्रसारित करेंगे। और जो व्यवस्था आप देख रहे हैं अभी, जैसे नीतू भक्त कह रहे थे कि हमारे 400 से ज्यादा ऐसे शिक्षक हैं इस प्रोग्राम जो एफडीपी आप देख रहे हैं इसके पीछे काम कर रहे हैं, इसलिए एफडीपी कर रहे हैं, इसके डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, उसके प्रोग्राम्स तैयार कर रहे हैं, मॉडल करिकुलम तैयार कर रहे हैं, माइनर डिग्री तैयार कर रहे हैं। 400 बहुत बड़ा नंबर है और जिस 400 से माध्यम से जो 60,000 शिक्षक तैयार हुए उन 400 की संख्या भी बढ़ने वाली है। एक आंकड़ा मेरे ध्यान में और आया जो मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगा, ये मैं समझता हूँ कि समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकता है। इन 400 वॉलंटियर रिसोर्स पर्सन में से लगभग 50% महिला शिक्षक है। मैं इसको विशेष रूप से इसलिए कर रहा हूँ कि अभी तो वर्तमान हमारे जो समाज की स्थिति है वो समाज की स्थिति में जो महिला है अपनी एम्प्लॉयमेंट में है, शिक्षक है, तो शिक्षक का कार्य तो करते करते हैं घर का कार्य भी उनको करना पड़ता है, प्रायोरिटी पे दोनों काम को करना पड़ता है। यानी उनके दोहरे काम के बावजूद भी उस अपना समय दे के इस इन प्रोग्राम में अपनी भागीदारी निभा रहे हैं और रिसोर्स पर्सन के रूप में टेक्निकल सपोर्ट के रूप में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ा एक दिशा है, ये एक नई दिशा समाज में तय करने वाली है। क्योंकि कहा जाता है कि संस्कार घर में महिला से ही शुरू होते हैं, सबसे पहला संस्कार माँ से ही शुरू होता है। ये जो जिस तरह का परिवर्तन है 50% ज्यादा महिलाओं की भागीदारी है, मुझे लगता है कि ये भी इतिहास रचने वाली है। इसी के साथ मैं एक बार फिर सभी से आह्वान करता हूँ कि हमारी जो जिम्मेवारी है उसका निर्वहन करते हुए इस विषय को कि मूल्य आधारित हमारा समाज बने, मूल्य आधारित हमारा देश बने, तभी तो हमारा देश संपूर्ण जगत का विश्वगुरु जगत गुरु हो सकता है। बहुत बहुत आभार जी। जी बहुत ही सहज स्वाभाविक लेकिन प्रेरणादायी वक्तव्य शैली, आभार सर आपका इस उद्बोधन हेतु, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एक शिक्षक एक विद्यार्थी से सचता समर्थता उठता विद्यालय, फिर विद्यालय से पुष्पित पल्लवित होता न्याय और समतापूर्ण अखंड समाज और अंततः राष्ट्र का समग्र विकास, यही तो है NEP 2020। और इस अर्थ में कटिबद्ध है AICTE की विजनरी लीडरशिप में पूरी यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज फैमिली, जो धीरे धीरे करके संख्यात्मक और गुणात्मक दोनों ही रूप से विस्तार ले रही है। बिल्कुल वैसे जैसे पुनिया सर ने कहा, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवा बढ़ता गया। AICTE के सम्यक दिशा निर्देश में देशव्यापी उच्च शिक्षा से प्रारंभ हुआ ये सफर आज माइनर डिग्री, एक्सटेंशन इनटू एडल्ट इनफॉर्मल एजुकेशन, प्राथमिक माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए भी शिक्षण सामग्री और शिक्षकों की तैयारी हेतु सुअवसर प्रदान कर रहा है। 50 वॉलंटियर से शुरू हुआ ये सफर 400 की संख्या पार कर चुका है और यात्रा अभी भी अनवरत जारी है। तो ये कारवां, ये यात्रा यूं ही बढ़ती रहे, चलता रहे, आप सभी से सहयोग की अपेक्षा रहेगी। सभी को शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, सभी अग्रजों अनुजों का आभार और सभी साथी सहयोगियों का हृदय से धन्यवाद। पुनः मिलने की अपेक्षा के साथ अभी आज इस कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं।